हेलो एवरीवन, इस वीडियो में आपको एमएससी इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री का जो है सिलेबस दिखाने वाला हूँ। यह सिलेबस वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी जौनपुर का है। और मैं आपको बता दूँ, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी जौनपुर के मेन कैंपस में इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री का कोर्स नहीं है। उससे जो अपलेट कॉलेज हैं, रिलेटेड कॉलेज हैं, उनमें इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री के कोर्सेज हैं। एक है मोहम्मद हसन पीजी कॉलेज जौनपुर और दूसरा कुटी पीजी कॉलेज चक्के जौनपुर। यही दो ऐसे कॉलेज हैं जहां पर इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री के कोर्सेज चलाए जाते हैं। देखिए, यह एमएससी इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री का जो है सिलेबस है, और आपको इस पे लिखा आ रहा है कुटी पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज चक्के जौनपुर। यही ऐसा कॉलेज है जिसमें बीएससी और एमएससी इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री के कोर्स चलाए जाते हैं। और एक मोहम्मद हसन पीजी कॉलेज जौनपुर, वहाँ पर केवल बीएससी इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री से है। आप पूर्वांचल यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर देखेंगे तो यही सिलेबस उसकी वेबसाइट पर भी है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ इसका सिलेबस। यह एमएससी प्रीवियस ईयर का सिलेबस है। नेम ऑफ पेपर, मिनिमम मार्क्स इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री, एनालिटिकल केमिस्ट्री, बायोलॉजिकल केमिस्ट्री, स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड इन केमिस्ट्री। इसके बाद आपका प्रैक्टिकल है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री, प्रोजेक्ट वर्क, वाइबा। टोटल मार्क्स आप थियोरी पेपर्स, आपके जो थियोरी है वो 450 मार्क्स के होते हैं, और टोटल मार्क्स आप प्रैक्टिकल 150, टोटल मार्क्स 600। और एमएससी फाइनल ईयर का सिलेबस, केमिस्ट्री इन इंडस्ट्रियल प्रोसेस, केमिस्ट्री इन इंडस्ट्रियल प्रोसेस, कॉमन केमिकल इन इंडस्ट्रीज, यूनिट प्रोसेस इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, वाटर मैनेजमेंट इन इंडस्ट्रीज, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, हेट्रोसाइकिल केमिस्ट्री, पॉलीमर केमिस्ट्री। इसके बाद प्रैक्टिकल, ये आपका थियोरी का पार्ट था। या अब नीचे आपका ये प्रैक्टिकल है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल, इंडस्ट्रियल टूर, रिकॉर्ड, वाइस वाइबा। यह भी आपके पूरे 450 नंबर के हैं, और प्रैक्टिकल आपके 150 के होते हैं। टोटल आपको 600 मार्क्स के पूरे हैं। चलिए पेपर देखते हैं, आपको सिलेबस है क्या। सबसे पहले एमएससी प्रीवियस ईयर इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री पेपर फर्स्ट इन ऑर्गेनिक। इसमें आपको यूनिट फर्स्ट में सिमेट्री एंड ग्रुप थियोरी इन केमिस्ट्री है। फिर इसमें नीचे आपको स्टीरियो केमिस्ट्री एंड बॉन्डिंग इन मेन ग्रुप कंपाउंड, ये आपको पढ़ना है। इसके बाद यूनिट सेकेंड में मेटल लिगेंड बॉन्डिंग में इंट्रोडक्शन ऑफ क्रिस्टल फील्ड थियोरी, लिमिटेशन ऑफ क्रिस्टल फील्ड थियोरी, मॉलिकुलर ऑर्बिटल थियोरी, ऑक्टाहेड्रल, टेट्राहेड्रल, स्क्वायर फिनल कॉम्प्लेक्स, पाई बॉन्डिंग एंड मॉलिकुलर ऑर्बिटल थियोरी, फिर मेटल लिगेंड इक्विलिब्रिया इन सल्यूशन। इसके बाद यहाँ पर देखिए यूनिट थर्ड है, रिएक्शन मैकेनिज्म ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस। फिर फोर्थ यूनिट है, इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस, मेटल पाई कॉम्प्लेक्सेस एंड क्लस्टर। आपको यह कुछ बुक्स है जो सजेस्टेड की गई हैं। इसके बाद एमएससी प्रीवियस ईयर पेपर सेकेंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको ये भी मिनिमम मार्क्स जो है इसका 75, 75 नंबर का है। यूनिट वन नेचर ऑफ बॉन्डिंग इन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में पहला रिजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन, एरोमेटिसिटी इन बेंजोनाइड एंड नॉन बेंजोनाइड कंपाउंड, हकल रूल, एनर्जी लेवल ऑफ पाई मॉलिक्यूलर
ऑर्बिटल, एनुलिन्स, एंटी एरोमेटिसिटी। इसके बाद स्टीरियो केमिस्ट्री, यूनिट सेकेंड एलिफैटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसके बाद एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, फिर एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यूनिट थर्ड एडिशन टू कार्बन, कार्बन मल्टीपल बॉन्ड, एडिशन टू कार्बन हेट्रो एटम मल्टीपल बॉन्ड। फ्री रेडिकल रिएक्शंस। यूनिट फोर्थ एलिमिनेशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन। फिर इसी में पेरिसाइक्लिक रिएक्शन भी आपको पढ़ना है, और बुक जो है रिकमेंडेड की गई है आपको कुछ। और यह पेपर थर्ड है, यूनिफाइंग प्रिंसिपल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इंट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विथ मैटर, एब्जॉर्प्शन, इमिशन, ट्रांसमिशन, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिस्पर्शन, पोलराइजेशन एंड स्कैटरिंग अनसर्टेनिटी। ये नीचे इसके माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी, वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी। यूनिट सेकेंड क्वांटम केमिस्ट्री। इसके बाद केमिकल डायनेमिक्स, केमिकल डायनेमिक्स। यूनिट थर्ड थर्मोडायनेमिक्स। यूनिट फोर माइक्रो मॉलिक्यूल्स में आपका पॉलीमर है। चलिए ये आपका पेपर फोर्थ है, स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री। फिर टर्बिडिटी, टर्बिडाइमेट्री, टर्बिडीमेट्री है। इसके बाद यूनिट सेकेंड फ्लेम फोटोमेट्री, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन। यूनिट थर्ड बफर सॉल्यूशन, पीएच एंड इम्पोर्टेंस, बफर सॉल्यूशन मेजरमेंट ऑफ पीएच। इसके बाद है आपका क्रोमेटोग्राफी, क्लासिफिकेशन, थ्योरीज ऑफ क्रोमेटोग्राफिक प्रिंसिपल एंड मेथड ऑफ क्रोमेटोग्राफिक सेपरेशन बाय पेपर, टीएलसी, प्रिपरेटिव टीएलसी, एचपीटीएलसी, कॉलम एचपीएलसी, गैस क्रोमेटोग्राफी एंड आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी, इंस्ट्रूमेंटेशन ऑफ एचपीएलसी जीसी, टाइप्स ऑफ कॉलम एंड डिटेक्टर फॉर जीसी, अप्लीकेशन ऑफ क्रोमेटोग्राफिक मेथड्स एंड इंट्रोडक्शन टू एलसीएमएस टेक्निक। इसके बाद फ्लोरोग्राफी है आपका, थर्मल एनालिसिस। इसके बाद ये आपका पेपर फिफ्थ है, पांचवा बायोलॉजिकल केमिस्ट्री। इसमें लिविंग मैटर, मॉलिकुलर कंपोनेंट ऑफ सेल, रेगुलेशन ऑफ सेल फंक्शन, पेप्टाइडेस एंड प्रोटीन्स, प्रोटीन्स एंजाइम, एंजाइम इनहिबिशन। यूनिट थर्ड न्यूक्लिक एसिड, कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। फोर्थ यूनिट लिपिड। इसके बाद मेटल आयन इन बायोलॉजिकल सिस्टम। और बुक है कोई सजेस्टेड? इसके बाद आपका जो सिक्स नंबर पेपर है उसमें आपको स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड इन केमिस्ट्री, तो आपका एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी, फ्लोरोग्राफी,
फ्लोरोसेंस एंड फास्फोरेंस मास बार स्पेक्ट्रोस्कोपी, सेकेंड अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी यूनिट, थर्ड न्यूक्लियर मैग्नेटिक रिजोनेंस NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी, फोर्थ यूनिट मास स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री। यह बुक है आपके, आगे आपका प्रैक्टिकल का पार्ट। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ मिक्सचर ऑफ कंटेनिंग ट्रेस एलिमेंट, दूसरा थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, सेपरेशन ऑफ मिक्सचर ऑफ फॉलोइंग मेजरमेंट ऑफ RF वैल्यू, इसके बाद ऑर्गेनिक में आपको सेपरेशन प्योरिफिकेशन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ बाइनरी मिक्सचर, प्रिपरेशन ऑफ डेरिवेटिव इफ पॉसिबल, और ये आपका फिजिकल का है। और आपका रिकॉर्ड प्रोजेक्ट वाइबा, ये आपका पूरा कंप्लीट फर्स्ट ईयर का सिलेबस था इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री का। यह फाइनल ईयर का है, फाइनल ईयर का सिलेबस मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। इस वीडियो में केवल इतना ही।